नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर बिष्ट है और मैं नैनीताल से हूँ। हमारी आयुर्वेदिक नंबर वन आयुर्वेदिक संस्था SVPS का एक बेहतरीन रिजल्ट जो नैनीताल से हमें मिला है, और ये मेरे साथी वीरेंद्र रावत हैं, और जो बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं क्या उनको परेशानी थी। सबसे पहले दी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिलाषा कार्की है और मैं टीचिंग का काम करती हूँ। मैं GIC रामगढ़ में कार्यरत हूँ। अभी क्या तकलीफ थी आपको? मुझे मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी, गांठ जैसी बन गई थी कलाई में, और इस दवा को लेने से लगभग 12-15 दिन के अंदर पूरी जो गांठें थी वो मेल्ट हो गई, और मेरे काम करने में मुझे काफी सहूलियत हुई क्योंकि ठंडे की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी और गांठें इतनी बढ़ते जा रही थी दिन पर दिन। लेकिन जब से मैंने ये दवा ली उससे बहुत बढ़िया आराम मिला उससे मुझे। पहले ये गांठ की प्रॉब्लम आपको कहां से थी, कब से थी, और आपने उससे पहले कहां दिखाया थी? मुझे ये गांठ की जो प्रॉब्लम थी अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। मैंने पहले इसमें एलोपैथिक में दिखाया था डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर को, उन्होंने मुझे दवाइयां प्रिस्क्राइब करी थी। 2-3 महीने का कोर्स भी किया मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। एक बार कम हुई लेकिन दोबारा से फिर वो जैसे ठंडे में पानी में काम किया तो उभर के गांठ टाइट हो जाती थी और काफी दर्द करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब भाई साहब से मेरा परिचय हुआ, पुष्कर भैया से मेरे भाई ने बताया, तो इनकी दवाइयों से मुझे काफी फर्क हुआ। मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जितने भी पेशेंट हैं इस तरह के जो अर्थराइटिस से परेशान हैं, जिनको गांठों का दर्द है या ठंडे से परेशानी होती है काम वाम करने में, हाथ पैरों में, तो वो इस दवा का जरूर यूज करें ताकि उनको भी सुविधा हो। और कोई परेशानी थी आपको इसके अलावा? मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था, उसमें भी काफी आराम है मुझे। स्पॉन्डिलाइटिस आपको कब से था? स्पॉन्डिलाइटिस मुझे 8-10 साल से है। मैं थोड़ा सा भी झुक के काम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही झुक के काम करूंगी तो तुरंत पेन होगा कंधों में। लेकिन जब से मैं थंडर ब्लास्ट और ऑर्थोडॉक और इम्यूनियोडॉक ले रही हूँ तब से मेरा काफी आराम है। थैंक यू। थैंक यू।